तो यार ये है सबसे आसान तरीका 2023 या आने वाले सालों में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना करियर बनाने का, और इसके लिए चाहिए बस आपको 3 से 6 मंथ। तो देखो, हम नए साल में इंटर करने वाले हैं, अभी से अगर आपने फोकस किया, अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना चाहते हो तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मूव कर पाओगे कम से कम पैसों में। तो आज इस वीडियो में 5 ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स के बारे में जानेंगे, और इसी के साथ जानेंगे कि क्यों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब नहीं मिल पाती है, वो कौन सी गलती है जो अक्सर कैंडिडेट कर देते हैं कोर्स चूज करने में या एक सही रास्ता चूज करने में। तो इन 5 ऑनलाइन कोर्सेज में फ्री भी हैं और कुछ पेड भी हैं। तो सबसे पहले आप NPTEL, जिस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहां से आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स कर सकते हैं। NPTEL गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे IIT ने मिलकर बनाया हुआ है, और इसके कोर्स को भी IIT के प्रोफेसर ही पढ़ाते हैं। इसके एक डिटेल वीडियो है, उसको आप जरूर देखें। यहां से आप टेस्टिंग का कोर्स कर सकते हैं, हिंदी में भी आप लर्न कर सकते हैं, इसी के साथ आप PDF भी एक्सेस कर सकते हैं। PDF में आपको काफी सारे नोट्स मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर चेक। नंबर 2, learnworn.com, यहां से आप सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टेस्टिंग का कोर्स कर सकते हैं, वो भी हिंदी में और वो भी बिल्कुल फ्री। नंबर 3, LinkedIn Learning से आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स कर सकते हैं, जिसमें 12 कोर्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के इंक्लूड है। इसमें मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग 2, SQL के साथ ISTQB फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी है, और इसका 1 मंथ फ्री ट्रायल है, उसके बाद आपको ₹762 पे करने पड़ेंगे पर मंथ, जिसको आप 3 से 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ये कोर्स आपको 3 से 4 हजार रुपए में पूरा पड़ जाएगा, और इसमें काफी सारी चीजें हैं, और ये काफी बेस्ट कोर्स है अगर आप LinkedIn लर्निंग से इसे लर्न करते हैं। इसमें काफी चीज सिखाई गई है आपको जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। नंबर 4, Udemy, आप Udemy से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स कर सकते हैं। आप मैनुअल टेस्टिंग प्लस ISTQB कोर्स कर सकते हैं, जिसका प्राइस एक पिज्जा के बराबर है, मतलब 479 में ये कोर्स आप कर सकते हैं, और इस कोर्स को सर्टिफाइड QA प्रोफेशनल्स द्वारा तैयार किया गया है। इसमें आपको वीडियो कंटेंट के साथ साथ PDF और शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नंबर 5, कोर्सेरा। कोर्सेरा से आप एडवांस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स, ऑटोमेशन टेस्टिंग कोर्स कर सकते हैं, जो कि 30 आवर्स का है, और ये कोर्स आप 1, 3 और 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, जिसकी फीस आपको ₹4,000 तक पड़ जाएगी। नंबर 6 है माइग्रेट लर्निंग। माइग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म से भी आप फ्री में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स लर्न कर सकते हैं। ये एक बेसिक कोर्स है जिसमें SDLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको बताया गया है। तो आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब क्यों नहीं मिल पाती है और कौन सी गलतियां होती हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग थ्योरी के बारे में या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का बेसिक नॉलेज ही नहीं है, लेकिन बस उठ के चल दिए कोई भी पेड कोर्स या ट्रेनिंग करने। लगता है कि जैसे किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बस कोर्स स्टार्ट कर दिया तो जॉब मिलनी ही है। जब तक आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की थ्योरी को समझेंगे नहीं, उसकी लाइफ साइकिल को नहीं समझेंगे, तब तक आप पेड कोर्स भी करेंगे तो उसमें भी आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इतने सारे फ्री कंटेंट हैं, उनसे आप नॉलेज लेकर ही पेड कोर्स में इनरोल होंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। एजुकेशनल बैकग्राउंड और गैप, अगर आपका बहुत लंबा गैप है, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, और उसके बाद आपका बैकग्राउंड भी रेलिवेंट नहीं है, BA है, BCOM है, या आपने BPharm कर रखा है, तो भी आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, non-IT से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कैसे जाएं, वो वीडियो भी जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर जाकर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है माइंडसेट। आपके माइंडसेट में अगर ये है कि बस कोर्स करके जॉब लग जाएगी, अगर आपने टेस्टिंग का कोर्स कहीं से भी किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर लिया तो आप जॉब पा जाएंगे बिना अपना 100% दिए, तो ये इम्पॉसिबल है। इसलिए अपने माइंडसेट को सही करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और उसी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी उस चीज में, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की थ्योरी को पढ़ना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज समझना चाहिए कि टेस्टिंग होती क्या है, टेस्टिंग कैसे की जाती है, कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, किन किन क्षेत्र में टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बारे में जितना ज्यादा आप जान सकेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। देन आपको 1 मंथ या 2 मंथ लगाना चाहिए फ्री सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ट्यूटोरियल्स में, जो आपको यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, कहीं भी बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप 1 मंथ भी उनमें देते हैं तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 3, आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको लर्न करना शुरू करना चाहिए। सबसे इजी आपको पड़ेगी पाइथन, इसी के साथ साथ आप SQL भी अगर थोड़ा सा बेसिक लर्न करना शुरू करेंगे तो आपको इन दोनों चीजों को लर्न करने में बड़ी मजा आएगी, काफी इंटरेस्ट आएगा, और आपको ये काफी हेल्प करेगी अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग या किसी भी टेस्टिंग में मूव करते हैं। हालांकि मैनुअल टेस्टिंग में आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जरूरी होती है, लेकिन अगर बेसिक नॉलेज है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। उसी के साथ साथ आपको ISTQB सर्टिफिकेशन जरूर करना चाहिए। अब आप फ्री में कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको जितना नॉलेज होता है, ISTQB सर्टिफिकेशन से आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है। अगर आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो ये सर्टिफिकेशन भी प्रेफर किया जाता है, जो आपके रेज्यूमे को थोड़ा और वेट दे देगा। और उसके बाद एकदम लास्ट में आपको कोई भी हाईली पेड कोर्स करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप
ऑनलाइन या ऑफलाइन में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट सर्च करें जहां पर आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद करियर गाइडेंस असिस्टेंस, जॉब असिस्टेंस और आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता हो, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था आज का वीडियो टॉप 5 ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स के बारे में। बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के वीडियोज है इस चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देखें। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।